कई गाड़ियों पर हमने ये देखा है कि एक जाति या धर्म या पद वाला स्टिकर जो है वो उसमें लगा हुआ होता है। गाड़ियों पर अगर जाति, धर्म और पद वाला स्टिकर चिपकाते हैं तो उसके ऊपर चालान कट जाता है। कितने का चालान ये कटेगा और किस विधि के अंतर्गत, किस एक्ट के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है, उसी विषय पर, उसी कानून के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। मैं डॉक्टर इरशाद खानम और आप सभी लोग देख रहे हैं आपकी अपनी यूट्यूब चैनल आइला टॉक्स। गाड़ियों पर जाति, धर्म और पद वाला स्टिकर चिपकाने पर कितने का चालान बनेगा? पिछले कुछ दिनों से हम ये देख रहे हैं कि पुलिस ने कई राज्यों में जाति और धर्म सूचक स्टिकर लगाने वाली 23-24 हज़ार गाड़ियों का चालान किया है। पुलिस ऐसे स्टिकर के खिलाफ विशेष अभियान चला रही है। पुलिस के मुताबिक गाड़ियों के शीशे या बॉडी पर किसी भी तरह का स्टिकर लगाने पर 1,000 रुपये का चालान है। वहीं रजिस्ट्रेशन या नंबर प्लेट पर अगर स्टिकर लगाते हैं तो 5,000 रुपये का जुर्माने का प्रावधान है। इस विषय पर क्या कहता है हमारा कानून? मोटर व्हीकल एक्ट 1990 में साफ साफ कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति गाड़ी के रजिस्ट्रेशन या नंबर प्लेट पर किसी भी तरह का स्टिकर या लेबल नहीं चिपका सकता है। ये अपराध के दायरे में आता है। मोटर व्हीकल एक्ट में कहा गया है कि गाड़ी के नंबर प्लेट पर किसी भी तरह का स्टिकर या लेबल चिपकाने की अनुमति नहीं है। मोटर व्हीकल रूल्स 1990 में गाड़ियों के नंबर प्लेट को लेकर भी विस्तृत रूप से गाइडलाइन दी गई है। इसके मुताबिक नंबर प्लेट ठोस होना चाहिए और कम से कम 1 mm एल्यूमिनियम का बना होना चाहिए। नंबर प्लेट पर बाई तरफ कैपिटल लेटर में नीले अक्षरों में IND लिखा होना अनिवार्य है। अब प्रश्न है कि कितने चालान का प्रावधान इस अधिनियम के अंतर्गत किया गया है। मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 192 के मुताबिक यदि गाड़ी का नंबर प्लेट सही नहीं पाया जाता है या उस पर किसी भी तरह का कोई स्टिकर चिपका मिलता है और ऐसा पहली बार होता है तो 5,000 रुपये तक का चालान काटा जा सकता है। उसके बाद वाहन चालक अगर दोबारा इसी अपराध को दोहराता है तो 1 साल की कैद और 10,000 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। अब गाड़ी के शीशे या बॉडी पार्ट्स पर स्टिकर की बात करें तो ट्रैफिक पुलिस मोटर व्हीकल एक्ट 1990 के सेक्शन 179 यानी कि 179 धारा के अंतर्गत चालान जारी कर सकती है। इस सेक्शन में ये कहा गया है कि यदि वाहन चालक सुरक्षा एजेंसियों द्वारा जारी ज़रूरी दिशा निर्देश का पालन नहीं करता है अथवा सूचनाओं को नहीं मानता है तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है। अब आपको यह हम बता दें कि पहले सेक्शन के तहत 500 रुपये तक का जुर्माने का प्रावधान था, लेकिन 2019 में मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन के बाद ये फाइन बढ़कर 2,000 रुपये तक का हो गया है। अलग अलग राज्यों की अलग अलग गाइडलाइन, क्या सभी जगह एक ही तरह की गाइडलाइन चल रही है? जो MP में चालान वसूला जा रहा है क्या वो UP में या अन्य स्टेट में भी वही वसूला जाता है? तो ऐसा नहीं है। गाड़ियों पर जाति, धर्म और पद सूचीकर स्टिकर या लेबल को अलग अलग राज्य भी समय समय पर गाइडलाइन जारी करते रहते हैं और उसकी गाइडलाइन के अनुसार ही वो उस चालान को वसूलते हैं। अगर आप अपनी गाड़ी पर कोई जाति का, धर्म का, पद का स्टिकर लगाते हैं, ऐसा स्टिकर जो लीगल रूप से, विधिक रूप से आपको लगाने के लिए मना किया गया है, तो आपका चालान कट जाएगा। ये वीडियो आपके लिए कितना उपयोगी था, आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, कमेंट्स करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए विषय के